हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक नया प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं सीडीपी का। ये स्पेशली किसके लिए है? ये यूपी टेट और सीटेट के लिए है स्पेशली। ठीक, तो टाइम को बिना वेस्ट किए आइए हर एक क्वेश्चन को देखते हैं और उसके आंसर को देखते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की संपूर्ण गुणात्मकता है। ये कथन है। ये कथन किसका है? ये कथन वुडवर्थ का है, वैलेंटाइन का है, एम एन मन का है या फिर आर बी कैटल का है। हम लोगों ने बताया था, हम लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कथन होते हैं, प्रतिपादक के नेम होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक्स के नेम होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कथन किसका है? ये कथन हमारे वुडवर्थ का है। ठीक है ना, जितने भी कथन हैं उन सबको हम लोग को क्या करना है, एक जगह पे लिख लेना है। ठीक है, और एक जगह पे लिखने के साथ साथ जब एग्जाम आएगा तो एग्जाम से पहले उनको एक बार क्विक रिवीजन हम लोग को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, व्यक्तित्व के विश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब व्यक्तित्व के विश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन यूंग ने किया। किसने किया? यूंग ने किया। ठीक है ना, और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सिगमंड फ्राइड ने किया था। और विश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यूंग ने किया। ठीक है ना, देखिए दोनों नाम लगभग लगभग सेम है, बस थोड़ा सा फर्क है, तो इसके आंसर में भी क्या हो गया, थोड़ा सा फर्क हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, जिन व्यक्तियों का शरीर मोटा, कद नाटा तथा चित्त आराम पसंद होता है, उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है? तो उन्हें स्थूल काय में रखा जाता है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था, जिनका शरीर मोटा, कद नाटा, चित्त आराम पसंद करते हैं, जो लोग आराम पसंद करते हैं उन्हें स्थूल काय में रखा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, राजीव एक खुश मिजाज तथा मिलनसार व्यक्ति है। ठीक, परंतु उसकी प्रवृत्ति रूढ़िवादी तथा अकेलापन उसे पसंद नहीं है। मतलब उसे अकेलापन रहना पसंद नहीं है, ऐसे व्यक्ति कहलाते हैं। ऐसे व्यक्ति देखिए, अंतर्मुखी वाले अकेले रहते थे, बहिर्मुखी वाले को अकेला रहना पसंद नहीं था, और उभयमुखी वालों में दोनों आते थे। तो इसका आंसर तो साफ साफ पता चल रहा है, बी है क्या, बहिर्मुखी। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्न में से कौन सा प्रकार शेल्डन के व्यक्तित्व सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? तो गोलाकार, आयताकार, चौगाकार या लंबाकार। तो हम लोगों ने पढ़ा था, गोलाकार, आयताकार और लंबाकार सारे सारे हैं, यानी कि एंडोमॉर्फी, मीजोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी, ये सारे व्यक्तित्व के सिद्धांत जो शेल्डर ने दिए थे उनसे सम्मिलित है। लेकिन जो ये हमारा चोगाकार है, ये चोगाकार एस्टोमॉर्फी, ये किसी से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, सी चोगाकार। क्लियर है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, यौन मूल प्रवृत्ति के ऊर्जा बल को कहा जाता है। यौन मूल प्रवृत्ति की ऊर्जा बल को कहा जाता है। और हम लोगों ने पढ़ा था, जितनी भी काम प्रवृत्ति का है, सिगमंड फ्राइड ने उसको लिबिडो से कनेक्ट किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी लिबिडो। इसका आंसर क्या होगा, सी लिबिडो। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, सिगमंड फ्राइड ने मन की तीन दशाएं बताई। उनमें से अचेतन मन होता है, उनमें से अचेतन मन होता है जागृत अवस्था, भूल जाना, दमित इच्छाओं व कटु अनुभूतियों का भंडार, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अब हम लोगों ने पढ़ा था, अचेतन मन के अंदर दमित इच्छाएं व कटु अनुभूतियों का भंडार होता है। तो इसका आंसर क्या है, सी दमित इच्छाओं व कटु अनुभूतियों का भंडार। क्लियर है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। अब प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, सिगमंड फ्राइड ने किया। इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार बना के आप लोग अलग से लिख लीजिएगा कि प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सिगमंड फ्राइड ने किया। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, एक व्यक्ति यह निश्चित नहीं कर पाता कि द्वितीय श्रेणी परीक्षा व तृतीय श्रेणी परीक्षा में से कौन सी श्रेष्ठ है। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार ऐसा व्यक्तित्व होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, राजोगुणी।
इसका आंसर क्या होगा, राजोगुणी। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्यक्तित्व का वह अंश जो नैतिकता के विषय में माता पिता के साथ सामाजिक मानकों को समाविष्ट करता है, तो ये क्या कहलाता है, परा अहम कहलाता है। ये क्या कहलाता है, परा अहम कहलाता है। देखिए नैतिकता का अंश, नैतिकता हमारा किस में आता था, परा अहम में। ये क्या है, परा अहम, यानी कि सुपर ईगो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, व्यक्तित्व के द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, यह विचार प्रस्तुत किया। अब देखिए यह विचार भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो यह विचार किसने प्रस्तुत किया, तो यह विचार कैटल ने प्रस्तुत किया, तो इसका आंसर क्या होगा, बी कैटल। क्लियर है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, व्यक्तित्व इतिहास विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं, पर्सनैलिटी हिस्ट्री के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, मुरे व मार्गन, पाइन व टेंडलर, गाल्टन, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, सी गाल्टन। इसका आंसर क्या होगा, सी गाल्टन, व्यक्ति इतिहास विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं, कौन, गाल्टन। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या है, सी गाल्टन। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, लिखा है सी ए टी का भारतीय अनुकूलन किया गया, सी ए टी का भारतीय अनुकूलन किया गया, इसका आंसर क्या है, सी ए टी का भारतीय अनुकूलन उमा चौधरी ने किया, किसने किया, उमा चौधरी ने सी ए टी का भारतीय अनुकूलन किया। क्लियर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति जो लाभ हानि इत्यादि का अनुमान लगाकर कार्य करता है, उसे थॉर्नडाइक के अनुसार मारा जाता है, सूक्ष्म विचारक, प्रत्यक्ष विचारक, स्थूल विचारक, ठीक है ना, या फिर मुख्य विचारक। यहाँ पे सही कर लीजिएगा, मुख्य लिखा है, मुख्य विचारक, तो इसका आंसर क्या होगा, स्थूल विचारक। हम लोगों ने पढ़ा था जो स्थूल विचारक होते हैं वो लाभ या हानि का अनुमान लगा के कार्य करते हैं, ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, सी स्थूल विचारक। ठीक है ना, देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें मैंने थोड़ा कुछ टफ क्वेश्चंस लिखे हैं जिसकी थ्योरी थोड़ी सी टफ है और जिसके आंसर में हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन मैच कर रहा होगा, मतलब हम लोग को लगेगा जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा था विश्लेषणात्मक वाले क्वेश्चन में हम लोग को लगता है वो फ्राइड है उसका आंसर, लेकिन फ्राइड किसका था, मनोविश्लेषणात्मक का, लेकिन वहां पर सिर्फ क्या लिखा था, विश्लेषणात्मक, इसीलिए हमको वहां पर क्या लगाना पड़ा, युग लगाना पड़ा। तो इस प्रैक्टिस सेट में मैं ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जिसमें दिक्कत होती है कि कौन सा आंसर किसका है पहचानने में, तो इसके अंतर्गत आपको थोड़े अलग क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, विषय का तत्कालीन ज्ञान व्यक्ति को नहीं होता किंतु प्रयास द्वारा प्रत्यास्मरण कर उसे चेतना में लाया जा सकता है, यह स्थिति मन के किस स्तर से संबंधित है, चेतन भाग, अवचेतन भाग, अर्धचेतन भाग, या इनमें से कोई नहीं, तो यह स्थिति हमारे अर्धचेतन भाग से संबंधित है। क्या कहा मैंने, ये स्थिति किससे संबंधित है, अर्धचेतन भाग से संबंधित है। क्लियर है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मानसिक ऊर्जा का राग फ्राइड ने किसे कहा, फ्राइड ने लिबिडो को हर चीज की ऊर्जा का राग कहा था, तो इसका आंसर क्या है, बी लिबिडो। फ्राइड ने कहा हम लोग को जो भी एनर्जी मिलती है वो काम प्रवृत्तियों से मिलती है, यानी कि लिबिडो, उन लोगों ने सारी काम प्रवृत्तियों को लिबिडो माना। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, व्यक्तित्व रचना हेतु जीवन जीने का ढंग यानी कि लाइफ स्टाइल, इस शब्द का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया, तो इसका आंसर क्या है, एडलर ने। इसका आंसर क्या है, एडलर ने जीवन का ढंग यानी कि लाइफ स्टाइल इस शब्द का प्रतिपादन किया। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, एक व्यक्ति के मन में विचार आता है कि मुझे अध्यापक पर प्रहार करना चाहिए और वह बिना किसी कारण ही पूरे कक्षा के सामने अध्यापक पर हाथ उठा देता है, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व स्तर है इद, ईगो, सुपर ईगो, कहना संभव नहीं, तो इसका आंसर क्या है, इद। क्या लिखा है, इद पे जो बच्चे होते हैं वो नैतिकता पे बेस कार्य नहीं करते, और जो हमारे अहम में बच्चे आते थे यानी कि ईगो में, वो क्या करते थे, उन लोगों में बैलेंसिंग थी, उन लोगों में सूझ थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन इद के अंतर्गत जो बच्चों का मन होता था वही करते थे,
तो ऐसी स्थिति वाले लोग किस में आएंगे, इद में आएंगे, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, निम्न में से कौन सा कथन नहीं सही है। लिखा है परा अहम सामाजिक अपेक्षाओं तथा आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। सेकंड क्या लिखा है, अहम का विकास इदम से होता है, जो अहम है उसका विकास इदम से होता है। और हम लोगों ने पढ़ा था कि अहम का विकास इदम से ही होता है, यानी कि ये दोनों जितने भी हम लोगों ने पढ़े ये दोनों सही हैं। थर्ड वाला देखते हैं, लिखा है इदम का उद्देश्य किसी भी प्रकार से आवश्यकता की संतुष्टि का। अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा था इदम में किसी भी प्रकार की आवश्यकता का संतुष्टि करना था, उसमें बच्चे का जो मन करता था वो वही करता था, ठीक है ना। और लास्ट लिखा है इदम अहम व परा अहम का कोई संबंध नहीं होता। और हम लोगों ने पढ़ा था अहम में इदम होता है और परा अहम में इदम और ईगो, परा अहम में इदम और अहम दोनों होता है, यानी कि इन तीनों में क्या होता है, संबंध होता है। तो यानी कि जो हमारा डी ऑप्शन है, यानी कि डी कथन है, वो क्या है, गलत है, ठीक है ना। आइए 20th क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है राम सफल होना चाहता है तथा श्रेष्ठता के स्तर को प्राप्त करना चाहता है, वह अभिप्रेरित है। अब वह अभिप्रेरित है किससे, उपलब्धि आवश्यकता से। वह अभिप्रेरित है किससे, उपलब्धि आवश्यकता से, ठीक है ना। अब अगर आप लोग इन क्वेश्चन को पीडीएफ के थ्रू लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में, किसमें, डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप लोग आके वहां से हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके पीडीएफ टाइमली ले सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि भय एक संवेग है तो मूल प्रवृत्ति होगी, ठीक है ना। क्या कहा मैंने, अगर भय एक संवेग है तो मूल प्रवृत्ति क्या होगी, मूल प्रवृत्ति क्या होगी, आक्रमण, तलाश, भोजन या पलायन, आक्रमण, तलाश, भोजन या पलायन। अगर भय का एक संवेग होगा तो हमारी मूल प्रवृत्ति क्या होगी, पलायन। अगर हमको किसी चीज से डर लग रहा है तो हम लोग पहले क्या कर देंगे, वहां से पलायन कर देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, वात पित्त कफ वर्गीकरण है, वात पित्त कफ ये वर्गीकरण है। तो लिखा है ए वेद के आधार पर, बी कर्म के आधार पर, सी आयुर्वेद के आधार पर, या फिर डी प्रवृत्ति के आधार पर। तो ये क्या है, आयुर्वेद के आधार पर इसका वर्गीकरण है। तो इसका आंसर क्या है, सी आयुर्वेद के आधार पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, किशोर अवस्था में बालक अधिकांश अपने ही रूप पर मोहित हो जाता है, फ्रायड ने इस भावना को कहा, फ्रायड ने इस भावना को नार्सिसिज्म कहा था। तो इसका आंसर क्या है, बी नार्सिसिज्म, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, प्रक्षेपी विधियों मापन किया जाता है, प्रक्षेपी विधियों को मापन किया जाता है। तो प्रक्षेपी विधियों को मापन अर्धचेतन व अवचेतन मन का किया जाता है, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा, सा अर्धचेतन मन व अचेतन मन का, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक उचित व्यक्तित्व होता है। तो उचित व्यक्तित्व वाले सदैव कर्मठ होते हैं, विचारशील होते, भावुक होते हैं, या संवेगीय स्थिरता होती है, उनमें संवेगीय स्थिरता होती है। तो जो आधुनिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक उचित व्यक्तित्व होंगे उनके संवेगों में स्थिरता होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, डी संवेगीय स्थिर, ठीक है ना। वो क्या होंगे, संवेगीय स्थिर। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, क्या लिखा है, बाल संबोध परीक्षण के कारण होते हैं। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, जानवरों के, इसका आंसर क्या है, जानवरों के बाल संबोध परीक्षा के कार्ड होते हैं जानवरों के, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसके थ्रू आके आप लोग हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है, जीवन मूल प्रवृत्ति व मृत्यु प्रवृत्ति फ्राइड के अनुसार प्रतीक है किसका, अनुभव व भावना की, निर्माण व ध्वंस की, ऊर्जा व विनाश की, इच्छा या अनिच्छा की, इच्छा या अनिच्छा की। तो ये किसके प्रतीक है, ये ऊर्जा व विनाश के प्रतीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है समाज मिति विधि के प्रवर्तक हैं, समाज मिति विधि के प्रवर्तक हैं। तो इस विधि के प्रवर्तक हमारे कौन है, मुरेनो है, कौन है, मुरेनो है, क्लियर है ना।
क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। व्यक्तित्व को प्रभाषित करने वाले कारक बुद्धि, अभिरुचि, प्रेरणा, अभिप्रेरणा या फिर प्रेरणा, अभिवृद्धि, महत्वाकांक्षा इत्यादि किस प्रकार के कारक हैं? सोशल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिस्ट या जन्मजात? या जन्मजात। तो ये सब किस प्रकार के कारक हैं हमारे? साइकोलॉजिस्ट। ये किसके हैं? साइकोलॉजिस्ट कारक है। क्लियर है? आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? फ्राइड के अनुसार मन का लघुत्तम उपखंड कौन सा होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन पर देंगे। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक के लिए बाय।